नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्य संपादक मुकेश तिवारी की यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। टीएमटी न्यूज 24 के टीम की तरफ से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रह्लाद एक नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना था। उस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका जिसे एक वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसको बुलाकर अग्नि की वेदी पर प्रह्लाद को लेकर बैठने को कहा। प्रह्लाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रह्लाद का अग्नि कुछ नहीं बिगड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा ग्राह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवार पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्र फलक पर होली का आनंददायक चित्र उकारा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासी सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपत्ति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागिनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के दंपत्ति को बगीचे में झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य, संगीत व रंग खेलने में व्यस्त है। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में भित्त चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही है और इस सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दांत सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए टीएमटी न्यूज 24।